तो नमस्कार मित्रों, आप लोगों को जानकारी मिल चुकी है कि एग्जाम सीएमए का दिसंबर में होने जा रहा है। और दोस्तों यहां पर स्टूडेंट्स आर इन ट्रबल, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट का जो सीए का एग्जाम भी दे रहे हैं, सीएमए का भी एग्जाम दे रहे हैं, उनका एग्जाम यहां पर क्लैश होगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा भी होगा जिसका सीए का एग्जाम सेंटर अलग है, सीएमए का एग्जाम सेंटर अलग है, और दोनों के दूर का जो बीच का दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज आएंगे। तो मैं ये तो नहीं बोल सकता कि यहाँ पर सीएमए इंस्टीट्यूट का गलती है या सीए इंस्टीट्यूट का गलती है, लेकिन भाई जो सीए है, सीएसए या सीएमए इंस्टीट्यूट है, ये सभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में आते हैं। तो इन सबको एक कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए, और वो कॉम्बिनेशन पहले से चल भी रहा था, लेकिन सीए इंस्टीट्यूट ने अपना एग्जाम दिसंबर में कर दिया, क्योंकि पहले वाला एग्जाम डिले हो गया था जुलाई वाला, तो उन्होंने अपना दिसंबर का पहले से डेट शीट जारी कर दिया था। अब सीएमए इंस्टीट्यूट की बारी थी, तो सीएमए इंस्टीट्यूट ने पहले तो अक्टूबर में एग्जाम कराने का सोचा, जो एग्जाम जून में होना चाहिए था, जुलाई में हो जाता, उसको उन्होंने अक्टूबर में कराने का सोचा, और फिर अक्टूबर से सीधा एग्जाम को दिसंबर में कर दिया। और फिर हम लोग सोच रहा था कि जनवरी में एग्जाम होगा, लेकिन उसे दिसंबर में ही करा दिया। तो बहुत सारी शॉकिंग न्यूज स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर आ गई है, एंड स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग कि उनका एग्जाम दिसंबर में होगा, तो वो जो दूसरा एग्जाम है उसको कैसे दे पाएंगे। अच्छा, बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा है जो एक्सक्लूसिवली सीएमए का एग्जाम दे रहा है, लेकिन वो ये मेकअप करके बैठा था कि जनवरी में एग्जाम होगा, अब वो सेकेंड ग्रुप का क्लासेस चालू कर दिया, बीच में उसको सेकेंड ग्रुप का क्लासेस स्टॉप करना पड़ेगा। तो बहुत सारे इश्यूज हैं यार, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सभी स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूंगा, भाई अगर आप लोगों का एक ग्रुप का प्रिपरेशन बिल्कुल कंप्लीट है और आप सेकेंड ग्रुप का तैयारी शुरू कर दिए हो, और अगर वो आपका 30-40% हो गया है, तो कंटिन्यू विद सेकेंड ग्रुप, ठीक है। और स्पेसिफिकली इंटर स्टूडेंट्स को बोलूंगा, फाइनल का कोर्स बहुत बड़ा होता है, तो उन्हें तो कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 महीना ही बचा है एग्जाम में। लेकिन इंटर वाला स्टूडेंट का अगर पूरा एक ग्रुप क्लियर है और दूसरा ग्रुप का अगर वो तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने कहीं से क्लासेस ले लिया था, तो कंटिन्यू विद द क्लासेस एंड कंप्लीट योर सेकेंड ग्रुप ऑल्सो, क्योंकि आपके पास अभी भी कम से कम 2 महीना का समय है। यू कैन इजीली कंप्लीट योर सेकेंड ग्रुप और अपना फर्स्ट ग्रुप का रिविजन करो, सेकेंड ग्रुप क्लास के साथ में तैयारी करो, और दोनों ग्रुप दे दो दिसंबर में। मुझे पता है दोस्तों कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को इसलिए भी प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि अगर उनका जुलाई में एग्जाम हो जाता तो वो दिसंबर में सेकंड ग्रुप कर लेते, लेकिन इंस्टीट्यूट का जो मिसमैनेजमेंट रहा, दोस्तों मिसमैनेजमेंट वर्ड बोलूंगा मैं यहाँ पर, क्योंकि एग्जाम जो जुलाई में हो जाता, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जुलाई में एग्जाम करवाए, और जुलाई में नहीं तो यार ऑलमोस्ट अगस्त में तो हो ही सकता, लेकिन यहाँ पर ये क्लियरली पता चलता है कि सीएमए इंस्टीट्यूट ने अपने एग्जामिनेशन साइकिल को आगे मेंटेन करने के लिए स्टूडेंट्स को पहले तो बताया नहीं, अक्टूबर के लिए बोला, और फिर उसको दिसंबर के साथ मर्ज कर दिया। तो यहाँ पर दोस्तों स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा टाइम खराब हुआ है, और स्टूडेंट्स जो एग्जाम दिसंबर तक सीएमए बन सकते थे या इंटर एग्जाम पास कर सकते थे, अब उनको आगे एक और अटेम्प्ट के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि उनको बीच में ऐसा फंसा दिया कि हाँ भाई आपका एग्जाम अब होगा, और फिर लाते लाते उन्हें दिसंबर में ले आए। तो जो एग्जाम साल में 2 बार हो सकते थे, वो एक तरह से अगर देखा जाए तो जनवरी के बाद अगर दिसंबर में एग्जाम हो रहा है, तो स्टूडेंट को लगभग 10 से 11 महीने का वेट करना पड़ा, जिससे उसका बहुत सारा टाइम किल हुआ है, और इस टाइम के लिए उसे कोई कॉम्पनसेट नहीं करेगा। तो मैं इन सभी इंस्टीट्यूट्स के महान लोगों से ये कहना चाहूंगा कि प्लीज स्टूडेंट्स के फेवर में आप लोग इसका कोई ना कोई एडजस्टमेंट करो, कोई रास्ता निकालो। जिन लोगों का एग्जाम क्लैश हो रहा है, उनको अलग से कोई डेट मिलना चाहिए, ताकि उनका एग्जाम क्लैश ना हो। तो बस मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा, और सभी स्टूडेंट्स आप अपना पढ़ाई जारी रखें, मॉक टेस्ट जरूर दें, और मुझे व्हाट्सएप करके बताएं आपके डाउट्स कंफ्यूजन्स। अगर आप दिसंबर में एग्जाम देना चाहते हो दोस्तों, तो मेरे पास जो क्लासेस अवेलेबल हैं ओनली 999 के एक्टिवेशन चार्ज पर, वो आपको मिल जाएंगी, और ये ऑफर हमारा 5th October को खत्म होने वाला है, तो आप जल्दी से जाकर उसे अवेल कर सकते हो। फ्री क्वेश्चन बैंक, हैंड राइटिंग नोट्स भी मिलेगा। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा, और मुझे कॉमेंट करके बताइएगा आप कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो, भाई इस एग्जाम को देने में दिसंबर में आपको क्या क्या प्रॉब्लम आई है, और आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ताकि हम उन कमेंट्स को पढ़ें और इन सभी महान लोगों को बताएं, और कोशिश करें कि आप लोगों के फेवर में कुछ डिसीजंस हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
टाटा बाय बाय दोस्तों, लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच।